सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हमको लगता है यार पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसा ही मोमेंट आया मुकेश अंबानी जी की लाइफ में जब उनकी हाल आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही थी। यंग एज के टाइम पे थे, कंपनी बिकने वाली थी, गवर्नमेंट के छापे पड़ रहे थे, बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब थी। तभी उस टाइम उनके फादर साहब धीरूभाई अंबानी जी ने उन्हें देखा और लेकर अपने दूसरे बेटे अनिल अंबानी जी को बोला कि आप जाइए उनकी मदद कीजिए कुछ। तब वो उनके पास गए और उन्हें बोला कि आपको कुछ मदद चाहिए तो बताइए, हम हेल्प कर देंगे। और वो इतनी हेल्प कर रहे थे कि जिस पैसे से उनका सब कुछ सही हो सकता था, सारी आर्थिक कंडीशन बिल्कुल सही हो सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं खुद ट्राई करूँगा। और वो फिर अपने आप में काम में लग गए और थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने एफर्ट डालते हुए कुछ टाइम बाद में उन्होंने सही में अपनी कंपनी भी बचा ली, अपना घर भी बचा लिया और सब आर्थिक स्थिति से दूर भी आ गए, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में आ गए। वो कंडीशन में आने के बाद एक दिन उनके फादर साहब धीरूभाई अंबानी जी के घर पे बड़ी पार्टी थी, उनको बुलाया गया, बहुत वर्ल्ड से बड़े बड़े लोग आए थे, तो सब लोग बैठे थे वहाँ पे। तब उनके फादर साहब ने, दोनों अलग अलग जगह पे बैठे थे, फादर साहब उस जगह बैठे थे, मुकेश अंबानी जी अलग बैठे थे। तब उनके फादर साहब धीरूभाई अंबानी जी ने उनको बुलाया कि आप आइए हमारे पास। तब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आइए बैठिए, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं वहाँ बैठा हूँ, आप अपने यहाँ दोस्तों के साथ बैठिए, मेरे कुछ मित्र हैं मैं उनके साथ वहाँ बैठा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप बैठिए यहाँ पे। वो होता है ना कि बाप बेटों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है कि वो वहाँ बैठे हैं हम अलग बैठते हैं, ठीक है एक बना रहना था चाहिए, तो वही वो कर रहे थे। तो वो वहाँ अलग बैठ गए, पर उन्होंने ज़िद करी तो वहाँ बैठ गए। बैठे तब वो बाकी जितने सदस्य थे, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग थे, उन सब के सामने धीरूभाई अंबानी जी ने वो बात कह दी जो मुकेश अंबानी जी के लाइफ में अभी तक उन्हें याद है और लाइफ टाइम याद रहेगी, और उनके लिए पैसे से बढ़कर वो चीज़ सबसे ऊपर है। धीरूभाई अंबानी जी ने यही कहा कि ये लड़का, ये मेरा बेटा है, ये कल को गिर चुका था, टूट चुका था, सब कुछ चला गया था, लेकिन आज ये वापस से खड़ा है, आज अपने पांव पे खड़ा है, मुझे इस पे गर्व है। ये लाइन सुनने के बाद कोई भी कह सकता है कि यार लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि वो मोमेंट उनको आज भी याद है। वो कहते हैं ना कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, वो मोमेंट कमाइए, वो चीज़ कमाइए जो आपकी फैमिली को खुश कर सके, उन्हें गर्व महसूस कराए, उन पर ट्रस्ट रखिए। और जिस दिन आप ये कमा लेंगे ना कि भाई आपकी फैमिली आप पे गर्व कर रही है या आपने कुछ उखाड़ा है या कुछ किया है आपने, तो समझ लेना आपने सब कुछ पा लिया। जय हिंद।